रंगसा नि तक संग हूक संग नरक नाय तंग तबुक टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल यू ही मिटने वाले हैं यारो, मिटाने की साजिश भी क्यों करनी, मिटाने की कोशिश भी क्यों करनी। अगरतला त्रिपुरा की प्राण केंद्र कहा जाता है और उसी प्राण केंद्र में यानी कि अगरतला में गुरुवार शाम को हमारे स्टेट की दबंग पुलिस ऑफिसर जिसे कहते हैं प्रसून कांति त्रिपुरा, उनकी फैमिली मेंबर के ऊपर अटैक किया गया। उनकी फैमिली मेंबर की जो बेटा है और उनकी जो बेटी है उनके ऊपर हाथ उठाया गया, मारपीट किया गया। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर बार न जाने क्यों ये सब घटनाएं मुझे मॉब लिंचिंग का इशारा देता है। कहीं ये मॉब लिंचिंग करने की कोशिश तो नहीं है कुमारघाट की वो घटना, अब फिर से अगरतला की ये घटना, जहां पे त्रिपुरा की डीएसपी की फैमिली सेफ नहीं है, वहां पे हम आम लोगों की क्या ही औकात है, क्या हम सेफ हैं? हमारे साथ भी ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। मुझे अब डर लगने लगा है, एक कम्युनिटी से मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूं पर सच में जो मुझे फील हो रहा है मैं वो बता रही हूं। मुझे सच में अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक गंदा मछली पूरी तालाब को गंदा करता है, वैसे ही चंद कुछ गंदे लोग पूरी कम्युनिटी को गंदा करता है। वो सारे बातें याद आ रही है जो मेरे साथ हुआ है, जो रस्ते में चलते कहीं पर भी कभी भी किसी भी लड़की के साथ हो सकता है या फिर किसी भी फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है। मुझे पता है डीएसपी सर उन सारे कालप्रीट को पकड़ेंगे और उनको सजा भी देंगे, पर हम जो आम लोग हैं वो कहां पे सेफ है? डीएसपी की फैमिली जहां पे त्रिपुरा में सेफ नहीं है, क्या हम वहां पे सेफ हैं? कुमारघाट की घटना, अब अगरतला की घटना, क्या अटैक के ऊपर अटैक करके कम्युनल हारमोनी बरकरार रहेगी? ये मेरी जस्ट एक सवाल है। मुझे अब डर लगता है बाहर निकलने में। कभी भी मेरे साथ भी किसी के साथ भी मॉब लिंचिंग हो सकती है। एक झुंड आके मारपीट करके मार डालेंगे और कहेंगे मॉब लिंचिंग हुआ है, बस किसको पकड़ेंगे? जहां के लोग खुद को कल्चर्ड सभ्य बताते हैं वो लोग औरतों के ऊपर रस्ते में झुंड मिलके हाथ उठाते हैं। ये है कल्चर्ड सभ्य लोगों का एग्जाम्पल। और ये लोग कहते हैं कि बिहेव कैसे करना है, क्या तुमको पता नहीं है? क्या आप लोगों को पता है बिहेव कैसे करते हैं एक महिला के साथ, एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ? अगर पता होता तो रस्ते में यो लात गुस्से के साथ आप एक लड़की से बात नहीं करते। शर्मनाक है ये घटना, बहुत ही शर्मनाक है। अगरतला के मिट्टी की ये मैं कहूंगी सबसे शर्मनाक घटना है। समाज को गंदे लोग दूषित नहीं करते बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी दूषित करता है।